सो द लास्ट क्वेश्चन वी डिड वाज क्या, एक 2 kg का ब्लॉक था, एक 1 kg का ब्लॉक था, और डेफिनेटली 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। हमने उसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कितना आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10/3, और फिर हमने निकाला टेंशन, टेंशन आया कितना 40/3, और फिर हमने निकाला फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द टेंशन फोर्स जब 2 kg का ब्लॉक नीचे जा चुका है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters। हमने वर्क डन निकाला दोनों का, टोटल 4 questions सॉल्व किए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 1 kg एंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 2 kg। ये पूरा हमने सॉल्व किया, इसमें कोई डाउट है पक्का? फाइन, व्हाट एल्स देयर? टाइप 2 के अंदर ही दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम, वी आर स्टिल अंडर टाइप 2। आई होप कल आपने हेडिंग लिखा होगा, कौन सा, न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस ऑन टाइप 2। टाइप 1 में एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है, एफ बार डॉट एस बार वाला, टाइप 2 में ही है हम अभी भी, उसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इसमें नया टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, एक बात बताओ मुझे, आपके पास अगर एक ब्लॉक है, अगर आपने इस ब्लॉक को फोर्स अप्लाई किया एफ बार, एंड यहाँ पर ये जो एंगल है मान लो वो है कितना 60 degrees, और डेफिनेटली आप ब्लॉक को इस तरफ खींच रहे हो, आपका जो फोर्स है वो ऐसा है ना, तो इसको रिजोल्व करोगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट जाएगा इधर, करेक्ट? अब ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से आपका ब्लॉक क्या करेगा, आगे चलेगा, तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस बार, है ना, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस बार, बोलो इसमें कोई डाउट है? ओके, अब इफ दिस इज एफ बार एंड इसको जनरल करता हूं, अगर मैं थीटा लिखता हूं, तो आपको अगर मैं पूछता हूं कि वर्क डन निकालो, तो आप क्या करोगे, वर्क होता है एफ बार डॉट एस बार, और एफ बार डॉट एस बार का मतलब क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये मतलब होगा एफ बार डॉट एस बार का मतलब क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं फोर्स को रिजोल्व कर दूं, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर इस तरफ, क्या है ये कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, और अगर रिजोल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इस तरफ भी तो आएगा, ये क्या होगा एफ साइन थीटा, और जिसको रिजोल्व कर लिया उसको हम क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे, ठीक है, ये सही है। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे ना यहाँ पे, तो क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा इंटू, एफ कॉस थीटा है क्या, एफ कॉस थीटा है फोर्स का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की ही दिशा में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एफ कॉस थीटा क्या है कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो क्या इस चीज को मैं ऐसा लिखूं कि वर्क निकालने का तरीका क्या हो गया, फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, करेक्ट? ये क्यों लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर आपने इसको रट लिया ना एफ एस कॉस थीटा, तो आप कौन से टाइप के क्वेश्चन में फंस जाओगे पता है, जब मैं क्वेश्चन को ऐसा करूंगा कि ब्लॉक है एम, मैंने यहां पर खींचा किससे, एफ बार के साथ खींचा, अब अगर मैं इसको खींचूंगा तो डेफिनेटली ब्लॉक चल पड़ेगा इस तरफ, है ना। अब ना मैं आपको डेटा ऐसा दे देता हूं, ये वर्टिकल है और मैंने आपको दे दिया वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया थीटा, मैंने एंगल दे दिया वर्टिकल के साथ, अब आप फंस गए, जिसने इसको रट्टा मारा है एफ एस कॉस थीटा, वो क्या करेगा, फोर्स का वैल्यू ले देगा, मान लो कुछ भी 5, 10, 15, 20 कुछ तो एक वैल्यू दे दिया, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी मैंने 5 meters, 10 meters, और मैंने एंगल दे दिया। अब जिसने ये रट्टा मारा है वो क्या करेगा, एफ एस कॉस थीटा, जबकि ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप फोर्स को रिजोल्व करते तो ये वाला हिस्सा क्या आता, एफ कॉस थीटा, और ये वाला हिस्सा क्या आता, एफ साइन थीटा। क्या एफ कॉस थीटा के वजह से ये ब्लॉक आगे चला है, किसकी वजह से आगे चला, तो मल्टीप्लीकेशन में तो एफ साइन थीटा लेना चाहिए था, बट जिसने रट्टा मार लिया इसका वो क्या करेगा, वो हमेशा कॉस थीटा ही लेगा ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप ये मत याद रखो कॉस लेना है कि साइन लेना है, आप क्या याद रखोगे,
आप ये याद रखो, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में। तो उस हिसाब से यहां पर आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन है, कॉस है क्या अभी, साइन है, तो क्या करोगे एफ साइन थीटा इंटू एस, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन का फॉर्मूला। और आपने कौन सा लॉजिक यूज किया, आपने ये वाला यूज किया क्या, नहीं आपने ये वाला यूज किया, डू यू गेट इट। तो जिसने रट लिया होगा ना कि कॉस लेना है वो तो फंस जाएगा, आर यू गेटिंग इट। तो जब भी आपको क्या निकालना हो, वर्क, आर यू गेटिंग इट, जब भी आपको क्या निकालना हो, वर्क निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। यहां पर थीटा इधर था तो ये एफ कॉस हो गया, ये एफ साइन हो गया, क्या एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो इसको नहीं लेंगे अपन, लेंगे इसको। और यहां पर अगर थीटा मैंने वर्टिकल के साथ ले लिया तो कॉस चला गया ऊपर, साइन आ गया इधर, तो अब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन है, कॉस या साइन, तो अभी यहां पे साइन लेंगे, आर यू गेटिंग इट। तो हम इन शॉर्ट कौन सा कंपोनेंट लेते हैं जो डायरेक्शन के अलोंग हो, हम कौन सा कंपोनेंट नहीं लेते जो परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और ये साइन वाला कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको नहीं लिया अपन ने, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और ये एफ कॉस थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर, तो उसको नहीं लेते। क्यों नहीं लेते उसका कोई कारण दे सकता, कल ही बताया था ना जब थीटा जीरो होता है तो वर्क डन कैसा होता है, तो ये वाला जो है ना ये वर्क में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि एंगल कैसा है, ये वाला यहाँ पर वर्क डन में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि थीटा कैसा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, ये समझ में आ रहा है, फाइन। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको, आपने जो हेडिंग लिखा था क्वेश्चंस ऑन टाइप टू, उसमें कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, दो, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब कुछ टाइप टू के अंदर ही है। और ये क्या उसका, ये तुमको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो एक रेक्टेंगुलर, एक ट्राइंगुलर वेज है, एंगल कितना है इसका थीटा, यहां पर एक ब्लॉक रख दिया हमने, ब्लॉक का मास कितना एम, फ्रिक्शनलेस है, कैसा है फ्रिक्शनलेस, म्यू कैसा जीरो, फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आने वाला नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, ये जो एम होता है ना इसका एक्चुअल वेट होता है नीचे एम जी, अपन बनाते क्या कभी एम जी, हम क्या करते हैं इधर क्या एम जी कॉस, इधर क्या एम जी साइन, ऊपर क्या नॉर्मल वेट, हम तो ऐसा ही करते हैं हमेशा। क्वेश्चन क्या मालूम है, यहां पर आपका क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय, फाइंड द वर्क डन बाय, पहला नॉर्मल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स। तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वर्क डन बाय व्हाट, नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो है नहीं तो बॉडी यहां पे रुक सकता है क्या, नहीं, वो तो सड़क के नीचे ही जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कौन से दिशा में हो रहा है, यहां पर, अरे हाया ना, तो ये क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एस वाई, बोलो हाया ना, ये सही। नॉर्मल है किधर, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, तो ये क्या तुम्हारा, कल हमने पढ़ा था जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर, वर्क कैसा, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, जीरो, ये नॉर्मल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हाँ कारण चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, थीटा इज 90 डिग्री, ये शॉर्टेड है, इसका सोचना पड़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअली में कहां पर है, वर्टिकली डाउन, ये है तुम्हारा असली एम जी इधर है, समझ में आ रहा है, अच्छा यहां पर आपका जो फोर्स था उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल था, तो आपने क्या कर लिया, रिजोल्व कर लिया, तो यहां पर मेरा एम जी ऐसा है, देखो एम जी ऐसा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है इस तरफ, दोनों के बीच में भी क्या है, एक
एंगल। तो मैं एम जी को भी क्या कर देता हूँ, और एम जी को रिजोल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने किया है, ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, एंड ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। और एम जी तो आपका रिजोल्व हो चुका है, तो उसको हटा लो, पता है ना ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो ओरिजिनल वेट तुम्हारा इस तरफ, बट हमने उसको क्या कर लिया, जैसे इस क्वेश्चन में ओरिजिनल फोर्स तो इस तरफ है ना, और आपने क्या कर लिया, इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, तो उसी तरह ओरिजिनल एमजी कहां पर है, नीचे, और एक कंपोनेंट आया इधर, एक कंपोनेंट आया इधर। अब आप ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, वर्क कैसे निकालना है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और फोर्स मतलब क्या, यहां पर फोर्स कौन है, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो और एम जी के दो कंपोनेंट आ गए, एक एम जी कॉस, एक एम जी साइन। तुम कौन सा लोगे, कॉस वाला है साइन वाला, कॉस वाला क्यों नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, उसके ही डायरेक्शन में कौन है, वही लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या आएगा बोलो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो उसी के डायरेक्शन में है, कौन है उसके डायरेक्शन में, इधर क्या करना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा इनटू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मान लो ये पूरा जो वेज है उसकी लेंथ है एल, तो कितना आएगा, एम जी साइन थीटा इनटू एल। डू यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का श्योर। मान लो यहां पर फ्रिक्शन होता, इसका मतलब समझा, म्यू इज नॉट जीरो, मतलब क्या, म्यू है, म्यू है मतलब क्या, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा तो किधर आएगा, पीछे आएगा। तो मान लो ये है तुम्हारा एफ के, क्यों एफ के बोल रहा हूं, बॉडी चल रहा है, बॉडी चलना शुरू हो गया, मतलब फ्रिक्शन कौन सा। तो आपको तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं मैं, वर्क डन बाय, बोलो यार, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स किधर है, इधर, कितना है एफ के, एफ के क्या होता है, यू के इनटू एन, एन कितना है, एम जी, ओके। तो फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, म्यू के एम जी कॉस, ये मैंने क्या लिख दिया, फोर्स, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किसको करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एल, एंड इस बार फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, यहां पर क्या, cos 180। तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा, माइनस म्यू के एम जी cos थीटा टाइम्स एल। टेक्निकली यहां पर भी ना मुझे ऐसा ही लिखना चाहिए, एम जी साइन थीटा किधर है, इधर, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, वही पर है, दोनों के बीच में एंगल क्या माना जाएगा, जीरो। तो एक्चुअली यहां पर क्या लिखा है मैंने, cos 0, हां cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए आंसर में आपको क्या दिखा, सिर्फ mg sin theta into l दिख गया। अरे गेट गेट, पर यहां पर क्या लिखना पड़ा मुझे, cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। डू यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का। तो यहां पर आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा बोलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mu के mg cos theta टाइम्स l। पहले मैंने म्यू जीरो लिया था, अब मैं म्यू को नॉन जीरो लिया, आप भी सीधा नॉन जीरो पर ही लिखो, समझ में आ रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स आपका जीरो क्यों आ रहा है, नॉर्मल फोर्स को आप लेंगे इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट लेंगे इस तरफ, जैसे यहां पर कॉस जीरो लिया, जैसे यहां पर कॉस 180 लिया, वैसे यहां पर क्या लेते, कॉस 90 लेते, तो कॉस 90 लिया तो क्या आ गया आंसर, कॉस 90 जीरो। तो वर्क डन कैसा, क्या आपको ये तीनों चीज समझ में आई, फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग को, तो यहाँ पर अलोंग कौन था, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, एंगल कितना, जीरो। फ्रिक्शन कहां पर है, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, एंगल कितना, 180, कॉस ऑफ 180 माइनस 1। तो फ्रिक्शन का वर्क कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या ये चीजें समझ में आ रही है तुमको, पक्का श्योर, ठीक है। So what you do right now, you write down the concept. अच्छा, अगर यहां पर मैं आपको precisely पूछता हूं इस question में, concept में, कि what is the work done by F sin theta? कारण क्या होगा, F sin theta इधर, displacement इधर, angle क्या लोगे, cos 90 जीरो, खत्म।
और व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा, तो फोर्स कितना एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना और एफ कॉस थीटा और एस के बीच में एंगल क्या है जीरो वन, मतलब खाली कितना एफ कॉस थीटा इनटू एस. आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है. एंड यहां पर आपने क्या किया, यहां पर किसका वर्क जीरो आएगा, कॉस वाले का, साइन वाले का जीरो नहीं है, समझ में आ रहा है. अच्छा मान लो ऐसा हो नहीं सकता, बट मान लो अगर ये जो फोर्स है वो यहां के बदले अगर ऐसा होता, ऐसा, बट बॉडी इधर ही जा रही, समझ में आ रहा है. इमेजिन करो ऐसा होने नहीं वाला, तो तुम इधर खींच रहे हो ना, इधर कैसे जाएगा, बट ऐसा मान लो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करते, इसका एक कॉम्पोनेंट आता ऊपर और एक कॉम्पोनेंट आता इधर, ऊपर वाला कॉम्पोनेंट तो एस के साथ 90 डिग्री बनाएगा ना, तो उसका आंसर अभी भी जीरो. लेकिन ये वाला कॉम्पोनेंट जो उल्टा है, कॉस 180 माइनस, समझ में आ रहा है ये पक्का, ठीक है. इसको कॉपी कर लो, पहले यू राइट डाउन द कॉन्सेप्ट एंड देन यू डू द क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. बोलो ना क्या सबका लिखकर. ओके नाउ इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एक छोटे से वेरिएशन के साथ. यहां पर देखो आपने बॉडी का मास था m, यहां पर था फोर्स f, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट है कितना s, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, करेक्ट. आपको वही पूछा है, वर्क डन पूछा है. अब यूजुअली हम करते क्या है, आप यहां पे फोर्स को रिजॉल्व करोगे ना, ये f है तो ये कितना f cos, और ये कितना, इसको रिजॉल्व किया आपने, फोर्स को रिजॉल्व किया है ना. ये पता है हम फोर्स को हमेशा इसलिए रिजॉल्व करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेन हो चुका है ये सोचते सोचते कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, और यहां पर क्या है वाई एक्सिस पर. तो टेढ़ा कौन है, एस या एफ? एफ टेढ़ा लगता है आपको, इसीलिए आप एफ को रिजोल्व कर देते हो, और एफ को रिजोल्व करके एक कॉम्पोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, तो तुमको एफ कॉस थीटा कैसा लगता है, हॉरिजॉन्टल, और एफ साइन कैसा लगता है तुमको, वर्टिकल, और अभी एंगल पे कौन लग रहा है तुमको, एफ, इसीलिए आप रिजोल्व किसको कर देते हो, एफ को रिजोल्व कर देते हो. बट इज इट कंपलसरी कि हम हमेशा एफ को ही रिजोल्व करें, इज इट कंपलसरी कि हम हमेशा एफ को ही रिजोल्व करें, नहीं ना, आप एस को भी तो रिजोल्व कर सकते हो. कैसे, आप एस को ऐसे रिजोल्व कर सकते हो, एक इमेजिनरी एक्सिस बनाओ, समझ आ रहा है, और ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उसको एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग. अब क्या मैं एस को भी रिजोल्व कर सकता हूं, इफ दिस इज एस ये थीटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस कॉस थीटा, आर यू गेटिंग इट, और ये नीचे क्या हो गया, एस साइन थीटा, आर यू गेटिंग इट. तो इस बार आपने किसको रिजोल्व किया, एफ को या एस को, एस को रिजोल्व किया. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बार डॉट एस बार, और वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा. इसमें एस कॉस थीटा क्या है, एस कॉस थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्पोनेंट जो फोर्स के अलावा है. अरे यार, तो अब वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट जो फोर्स के अलोंग है, समझ में आ रहा है. इसके पहले क्या लिखा था, फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग, दोनों भी राइट है, समझ में आ रहा है. आप देखो अगर आपने लिखा वर्क इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, इसका मतलब क्या, एफ एस कॉस थीटा हुआ, क्या इसको ऐसा लिखना चलेगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्या इसको ऐसा लिखना अलाउड है, एफ इंटू एस कॉस थीटा, दोनों में कोई गलत है क्या, बट इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का कॉम्पोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलावा, और इसका मतलब क्या हुआ,
डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, दोनों का मतलब तो वर्क से ही है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वर्क का फॉर्मूला दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला वाला क्या, फोर्स का कंपोनेंट निकालो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, और दूसरा तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल दो जो फोर्स के अलोंग। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स को ही रिजोल्व करना है, आप डिस्प्लेसमेंट को भी रिजोल्व कर सकते हो। कंपोनेंट कौन सा लेना, जो अलोंग, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इग्नोर करना। यहां पर मैंने किसको इग्नोर किया, ये देखो ना, फोर्स ऐसा है ना, तो ये एस साइन थीटा कैसा हुआ, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हुआ, इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो, परपेंडिकुलर में थीटा 90 ना, थीटा 90 तो वर्क कैसा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि मान लो एक हैवी स्फेरिकल बोल है आपके पास, ठीक है, यू हैव अ हैवी स्फेरिकल बोल एंड इस हेमिस्फीयर पे मान लो यहां पर कोई एक छोटा सा मार्बल था जिसको आपने यहां पर खींचा, फोर्स अप्लाई किया आपने एफ, समझ में आ रहा है ये? अब मुझे बोलो, अब भाई अगर यहां पर एक मार्बल रखी हुई है, मार्बल को अगर मैं इस तरफ खींचूंगा तो क्या मार्बल इस बोल को तोड़ के ऐसा इस तरफ आने वाला, किस तरफ जाएगा ये? आप खींच रहे हो इधर, लेकिन वो इवेंचुअली जाएगा ऐसे ऊपर ही ना। मान लो वो यहां पर आ गया, अभी भी आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, बट आप और उसको ऊपर नहीं लेके जा रहे हो, होल्ड करने के लिए भी तो खींचना पड़ेगा ना। तो देख, मार्बल यहां पर था, मैंने ऐसा इसको खींचा, तो धीरे धीरे वो कैसा आ गया, ऊपर आ गया। अभी मैं इधर ऐसा पकड़ के बैठा हूं, समझ में आ रहा है? तो पहले वो कहां पर था, एग्जैक्ट बॉटम पे, है ना, फिर वो आ गया यहां पर। क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि पहले से और अब से एंगल बन गया थीटा, गेट इट? आपको पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, अप्लाइड फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आपको पूछा है कि कितना वर्क हुआ है, जरा निकाल, कैसे निकालेंगे? वर्क के लिए अपने को क्या लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स है कितना, एफ अप्लाई। अपने को और क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ता हुआ वेक्टर। ये इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ता हुआ वेक्टर, मतलब ये आ गया, अरे आया ना, ये क्या है तुम्हारा, एस बार। डू यू गेट इट? अब अगर ये एस बार है, ये पढ़ाने का मतलब क्या था, या तो आप फोर्स को रिजोल्व कर लो और वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, या तो डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व कर लो और वो कंपोनेंट लो जो यहां पर। किसको रिजोल्व करना आसान होगा, डिस्प्लेसमेंट को या फोर्स को? फोर्स को क्यों रिजोल्व करूं यार, वो तो सीधा सीधा ही चल रहा है यार। तो यहां पर किसको रिजोल्व कर लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व करने के लिए अपने को क्या लगेगा, एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे, उसकी थोड़ी ज्योमेट्री सोचनी पड़ेगी। तुमको समझ में आ रहा है क्या? बोलो फिर, इसको ऐसा ज्वाइन कर दूं, ये तो 90, हेलो ये 90, फिर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना, ओके, फिर कहां पर बन रहा है जेड, कहां पर अल्टरनेट एंगल, कौन सा अल्टरनेट, ये कितना, ये थीटा, तो ये कितना, ओके। तो क्या अब आप एस को रिजोल्व कर सकते हो, हेलो, एस को रिजोल्व कर सकते हो? बट मेरा क्वेश्चन क्या है, तुमको कैसे मालूम कि अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, तुमको कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये और ये, अच्छा विल दे बी 90? व्हाई? एक थ्योरम है, सर्कमफेरेंस पे अगर कोई, सर्कमफेरेंस पे अगर कोई एंगल बना तो ये एंगल 90 होगा। डू यू ऑल एग्री? हेलो, या फिर चलो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपल करता हूं मैं।
इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। सुनो अभी ध्यान से, ये जो बोल है ना, उस बोल का रेडियस है आर। तो अगर ये आर है तो क्या ये भी आर हुआ? हेलो, इफ दिस इज आर, कैन आई से दिस इज ऑल्सो आर? ओके, अब आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व करना चाहते हो ना आप? डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व करके यहां पर एक कंपोनेंट आएगा। अरे हाँ ना, ये कंपोनेंट क्या है मुझे नहीं पता, इसको एक्स लिख दूं। डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे भी जाएगा, बट उसका कुछ काम है क्या? नहीं। तो मैं उसको ड्रॉ करके जगह नहीं खराब कर रहा, समझ में आ रहा है? अक्सर हम रिजोल्व करते हैं तो दो एक्सिस पे जाते हैं, एक्स एक्सिस पे भी जाते हैं और हाँ, तो ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो अगर ये एस है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जिसको मैंने नाम क्या रखा, एक्स। इसी का एक कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस पे भी तो जाएगा, मैं चाहूं तो उसको ड्रॉ कर सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा, जस्ट टू अवॉइड सम कंफ्यूजन। उसका वैसे भी कुछ काम नहीं है ना, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, चलेगा? अच्छा, अब आपको ये एक्स निकालने में इंटरेस्ट है, मैं बोल सकता हूँ आप ये वाला एक्स निकाल लो या फिर आप ये वाला निकाल लो, इट्स वन एंड द सेम। अरे यार, ये रेक्टेंगल बनेगा, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ, तो आप नीचे वाला एक्स निकालो या आप ऊपर वाला एक्स निकालो, बात तो एक ही है। ऊपर वाला एक्स मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे? ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, उस ट्राइंगल को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका आपने नाम क्या रखा, x। ये कितना है, r, और ये क्या है, एंगल थीटा। यहां पर ये एंगल कितना, 90। इधर साइन थीटा अप्लाई करोगे, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट। अपोजिट क्या है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, r। तो यहां से x कितना हो गया, r साइन थीटा। आपको x ही चाहिए था, कितना है x? तो अगर ये वाला x r sin थीटा है, तो ये वाला भी तो x ही है, ये वाला भी x क्या हो गया, r sin थीटा। तुमको क्या चाहिए, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट का क्या कंपोनेंट था, x। x की वैल्यू क्या है, r sin थीटा इनटू f अप्लाइड। अरे तो डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट लिखा ना, उसको फोर्स से तो मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आर साइन थीटा इनटू फोर्स अप्लाइड। और अगर आप और डिटेल में लिखना चाहो तो यहाँ पे कॉस क्या आएगा, जीरो डिग्री। ये भी उसी तरफ है, ये भी उसी तरफ, कॉस जीरो कितना, व्हाट इज द फाइनल आंसर, आर साइन थीटा इनटू द अप्लाइड फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, पक्का? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑन टाइप टू का आखिरी केस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर, कॉपी कर लो, पहले कॉन्सेप्ट लिख लेना, फिर तो फोर्स निकालने के फिर टोटल टाइम। जल्दी लिखो यार, चलो राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, क्वेश्चंस ऑन टाइप थ्री। कल के लिखाए गए नोट्स में चेक करो टाइप थ्री है क्या। क्वेश्चंस ऑन टाइप थ्री में क्या था, जब आपका फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल फोर्स के टाइम पे आप डायरेक्ट एफ इंटू एस, एफ बार डॉट एस बार यूज कर सकते हो, क्या नहीं यूज कर सकते? फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग लिखा आपने, क्या लिखा, क्वेश्चंस ऑन टाइप थ्री। लिखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन अ फोर्स एफ इक्वल टू, अ फोर्स एफ इक्वल टू 3x² + 4x + 5 न्यूटन। बोर्ड पे लिखा है मैंने, अ फोर्स एफ इक्वल टू 3x² + 4x + 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इज एक्टिंग on a body of mass 5 kg, of mass 5 kg,
फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम when the body moves from board में देख लो x equal to 1 to x equal to 4. क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? तो आपके पास एक बॉडी था, उस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया. फोर्स कितना लगाया? 3x square plus 4x plus 5 newton. और इस फोर्स की वजह से बॉडी डेफिनेटली जगह से हिलेगा. तो बॉडी शुरुआत में कहां पे रखा था? x equal to 1. फिर ये हिल के कहां पर चला गया? x equal to 4. तो बॉडी जगह से हिला ना, एक से चार पे गया है वो. तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क किया है, आपको वही वर्क निकालना है. मेथड वन क्या था? जो टाइप वन का क्वेश्चन था, एफ बार डॉट एस बार कर लो, वेक्टर प्रोडक्ट. वो यहां पे कर पाओगे क्या? वेक्टर नहीं मालूम तुमको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं मालूम, निकाल सकते हो बट फोर्स का वेक्टर वगैरह कुछ पता है क्या? नहीं. ऊपर से फोर्स कैसा आपका वेरिएबल. टाइप टू क्या था? जिसमें एंगल वगैरह रहे, फोर्स का कंपोनेंट ले लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो, वो ये सब यहाँ पर कर पाओगे. टाइप थ्री क्या था? जब आपका फोर्स कैसा हो? वेरिएबल. इन दैट केस आप वर्क कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट टेल मी एफ डी एक्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? एफ डी एक्स. उसमें एफ कितना है? 3x² प्लस 4x प्लस 5 dx. समझ में आ रहा है? और इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक? 1 to 4. क्या आप सबको इंटीग्रेशन करना आता है? कैसे करेंगे बोलो? यहां पर इंटीग्रेशन 1 to 4, किसका पहले इंटीग्रेशन करोगे? 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, लिमिट सेम ना, 1 to 4, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx फ्रॉम 1 to 4. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 dx और यहां पर बीच में x raised to 0 लिख सकता हूं? कैन वी राइट दिस? क्यों किया होगा ऐसा मैं? एनीथिंग रेस टू जीरो इज व्हाट? 1. तो x raised to 0 भी क्या हो गया? 1. तो 1 into 5 तो 5 ही रहेगा ना. तो बेसिकली मैंने कुछ चेंज नहीं किया. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है सबको? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx? पावर कितना है? 2. तो जो भी पावर होगा, पावर में 1 ऐड होगा, तो 2 + 1 तो कितना हो गया? वो x³/3 ना. जो पावर होता है ना n+1, वही डिनोमिनेटर में भी आता है. करेक्ट. लिमिट्स कहां से कहां तक? 1 से 4 प्लस. फिर यहां पे क्या है? 4 इज अ कांस्टेंट, तो वो बाहर चला जाएगा. अंदर क्या बचा? x. x के ऊपर कुछ नहीं वाला. पावर कितना? 1. तो क्या करोगे यहां पर? x² / 2 फ्रॉम वेयर टू वेयर? 1 to 4 प्लस यहां पर क्या है? 5 इज अ कांस्टेंट, इवन दैट विल गेट आउट. समझ में आ रहा है? अंदर कितना है? x raised to 0. x raised to 0 मतलब यहाँ पर क्या है? 0 + 1 = 1/1 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4. यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 2 से कटेगा. करेक्ट. तो यहाँ पर आपके पास क्या है? सिर्फ x³ फ्रॉम 1 to 4. फिर यहाँ पे 2, उसमें 2 तो बाहर है ना. x² फ्रॉम 1 to 4. फिर यहाँ पर क्या है? x raised to 1/1 मतलब क्या? सिर्फ x फ्रॉम 1 to 4. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब क्या करेंगे? अपर लिमिट, लोअर लिमिट और फिर सब्ट्रैक्ट. तो अपर लिमिट डाला तो क्या हो जाएगा? 4³, लोअर लिमिट डाला तो 1³ और फिर सब्ट्रैक्ट. करेक्ट. देन दिस इज 2. अपर लिमिट डाला तो 4² लोअर लिमिट डाला दो 1² प्लस ये कितना? 5. अपर लिमिट डाला दो 4, लोअर लिमिट डाला दो 1. डू यू गेट इट? 4³ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 64 - 1 प्लस 2. 4² कितना? 16 - 1 15. और यहाँ पे 5 और ये कितना?
तीन, कितना हो गया ये 30, 63, 30, 93, 93 और 15, 108 जूल का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हमने भी कुछ सॉल्व दिस आया 108 आंसर, दोस्तों भी कुड नॉट सॉल्व प्लीज कॉपी, फिर इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाना। कुछ लोग कर रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था, डोंट वरी इट्स ओके, कुछ मिस नहीं किया, लिख लो इसको। यस ये हो गया लिखकर, अभी अगला क्वेश्चन लिखो। आपको ऐसा दिया हुआ है, एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप। क्वेश्चन टू ऑन दिस टाइप, एफ बार इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, लिखा, कंटिन्यू करो। डिस्प्लेसेस अ बॉडी, displaces a body from 1, 2, displaces a body from 1, 2 to 3, 4, 1, 2 to 3, 4। आपको वही पूछा है, find the work done by this force, find the work done by this force। अब मुझे बताओ क्या अलग है इस क्वेश्चन में पहले के क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल फोर्स है? हाँ, क्या ये भी वेरिएबल फोर्स है? स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू, लुक एट दिस, इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। क्या ये वेरिएबल था? हाँ, कैसे, इसमें एक्स आ रहा था, क्या ये भी वेरिएबल है? हाँ, इसमें तो एक्स के साथ साथ वाई भी आ रहा है। अरे वेरी गुड, तो पहले तो मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है? इसीलिए टाइप थ्री से बिलोंग करता है। बट इसमें एक चीज और भी है, इसमें आई और जे भी है, ये कहीं ना कहीं टाइप वन से भी मिलता जुलता है। अरे यार समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है? पहले तो ये समझो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, यहां पर कैसे करोगे? आई मतलब क्या, ये अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस के वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ना, तो इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आप डीएक्स के साथ, प्लस टू वाई क्या है, जे कैप, जे कैप मतलब क्या, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे आप डी वाई के साथ। अरे लेटेंगे वापस, आई कैप मतलब क्या, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड कितना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा लेकिन किसके साथ, एंड जे कैप का मतलब क्या, दिस इज द मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, टू वाई, तो टू वाई का इंटीग्रेशन होगा किसके साथ। अगर क्वेश्चन में पीछे मैंने ऐसा लिखा होता थ्री जेड के कैप, अगर ऐसा लिखा होता तो आप यहां पर क्या करते, इंटीग्रेशन के कैप मतलब क्या, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड कितना है 3z, तो इसका भी इंटीग्रेशन करता मैं किसके साथ, dz के साथ, बट फिलहाल वो है नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, अब सवाल क्या है, लिमिट्स, लिमिट कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है। सी dx का मतलब क्या विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, खाली x एक्सिस पे 1 से 3। अरे यार ये 1, 2 में ये x है ये y है, ये 3, 4 में ये x है ये y है, तो खाली x को देखो ना, x पे बॉडी कहां से कहां गया, यहां पर आएगा 1 से 3। आर यू गेटिंग इट? एंड ये क्या है y एक्सिस, तो y एक्सिस पे बॉडी किधर से किधर गया, 2 से 4 पे। आर यू गेटिंग इट? इस तरह से इसका वर्क निकलेगा, डू यू अंडरस्टैंड? और बाकी तो सब सेम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, एक्स क्यूब बाय 3, यहां पर 2 इज अ कांस्टेंट, वाई का पावर क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2।
इसके लिमिट्स क्या है? एक से तीन। इसके लिमिट क्या है? दो से चार। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा जो मेथड है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ पे तो अलग अलग है ना लिमिट्स। चलो फिर यहाँ पे क्या, पहले आप अपर लिमिट डालोगे तो क्या होगा बोलो? थ्री का क्यूब अपॉन थ्री। फिर आप वन डालोगे तो क्या? वन का क्यूब अपॉन थ्री माइनस, है ना, ये वाला टू और ये वाला टू कटा। फिर ऊपर इधर डालोगे तो क्या होगा? फोर का स्क्वायर। फिर इधर डालोगे तो क्या होगा? टू का स्क्वायर। समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस? थ्री का क्यूब 27 बाई थ्री नाइन, तो कितना हो गया ये? नाइन माइनस वन बाई थ्री, वो देख लो अभी क्या आ रहा है, ठीक है। प्लस इधर क्या, चार का स्क्वायर 16, माइनस दो का स्क्वायर चार, 16 में से चार गया तो 12, कर लो फिर ये 9 माइनस 1 बाई 3 बाई 12 व्हाटएवर, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है ये? व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम दिस वन? इसमें अगर आप देखोगे तो आपका वेरिएबल सिर्फ x ही था, उसमें जो आपका वेरिएबल है वो कैसा है? x भी है और y, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आई कैप है ना, आई कैप के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर। मतलब ये क्या, आई कैप क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जे कैप मतलब क्या? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका इंटीग्रेशन निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। और फिर लिमिट कैसे डालेंगे? एक्स को देखो ना वन से थ्री, और y को देखो कैसा टू से, एंड देन इट इज नॉर्मल इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है? ये पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिखो, फिर वेरी सिमिलर एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू कॉपी करो। फाइन, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थ्री। फोर्स आपको दे दिया है माइनस ऑफ एक्स क्यूब आई कैप, देखो फोर्स इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब आई कैप प्लस प्लस वाई स्क्वेयर जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2.3 से 5.6 तक। फ्रॉम 2.3 टू From 2.3 to 5.6, इसको लेके जाओ, कुछ खिला के लाओ। चलो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। यू वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क में क्या करोगे? आई क्या मतलब क्या? ये एक्स कंपोनेंट हो। एक्स कंपोनेंट क्या है? माइनस ऑफ एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। प्लस जे क्या मतलब क्या? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट मतलब यहां पर क्या? y square, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पे बॉडी कहां से कहां गया है? 2 to 5, और y एक्सिस पे कहां पे क्या गया है? 3 to 6। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या करेंगे अभी? ये माइनस है उसको बाहर ही रखो, अंदर क्या हो जाएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज़ टू 4/4 फ्रॉम 2 to 5, है ना। एंड इसको चाहिए तो एक काम करता हूँ, इसको माइनस वन ले लेता है अब, ठीक है। ये जो माइनस है उसको बाहर लिया माइनस वन के साथ। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेज़ टू 4/4 फ्रॉम 2 to 5, यहाँ पे क्या होगा? वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 3 to 6। ये समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो, सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस वन रहने दो बाहर। ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज 5 रेज़ टू 4? 625/4 बराबर है। और इधर माइनस करके इधर क्या डालोगे? एक काम करूँ क्या, 4 को बाहर ही ले लूँ? इधर नहीं, लिख ही नहीं रहा, 4 को बाहर ले लिया,
5 रेस टू 4 क्या होगा 625 माइनस 2 रेस टू 4 16 16 अरे आया ना 625 माइनस 16 प्लस यहां से 3 को बाहर ही रखो 1 बाई 3 हो जाएगा दिस विल बिकम व्हाट टेल मी y क्यूब इज व्हाट 6 क्यूब इज 26 माइनस इधर 3 डाला दो 27 इसको सॉल्व कर लोगे आगे ये तुम करो ये मैं नहीं करने वाला इतना पेशेंस ही नहीं है मेरे अंदर ठीक है सो यू मैनेज दिस इज हाउ यू फाइंड आउट व्हाट टेल मी वर्क ओके अब सुनो यहां पे स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू ये आपने क्या निकाल लिया वर्क डन आ जाएगा अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया उसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखते हैं ये हम जो भी कुछ कर रहे हैं व्हाट आर वी इवेंचुअली फाइंडिंग आउट हम कर क्या रहे भाई ये सब में वर्क निकाल रहे हैं है ना वर्क कैसा क्वांटिटी है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी तो देखो वर्क अगर स्केलर है इसका मतलब क्या इसको साइन माइन से फर्क नहीं पड़ा आप क्या करो टोटल वर्क निकाल लो कहां पर एक्स एक्सिस पे फिर निकाल लो टोटल वर्क ऑन वाई एक्सिस फिर निकाल लो टोटल वर्क ऑन जेड और तीनों को वर्क ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा टोटल वर्क अरे आया ना तुझी टोटल वर्क का लॉजिक क्या है एक्स एक्सिस पे कितना वर्क हुआ प्लस वाई एक्सिस पे कितना वर्क हुआ प्लस जेड एक्सिस पे कितना वर्क हुआ समझ में आ रहा है एक्स एक्सिस पे कितना वर्क हुआ ये कैसे निकालोगे आप इंटीग्रेशन फोर्स ऑन एक्स एक्सिस और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्सिस उसी तरह y एक्सिस पे कितना वर्क हुआ कैसे मालूम पड़ेगा फोर्स ऑन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और z एक्सिस पे कितना वर्क हुआ ये कैसे मिलेगा फोर्स ऑन z एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस का वर्क निकालोगे तो लिमिट क्या होगी x1 से x2 जो कि यहां पर क्या आ गई 2 टू 5 y एक्सिस पे लिमिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे y1 से y2 जो कि यहां पर क्या आ गया 3 टू 6 और z एक्सिस पे क्या निकालोगे z1 से z are you getting it तो आपने अब तक के जो दो क्वेश्चन में किया वो यही किया fx का मतलब क्या होता है फोर्स ऑन x एक्सिस पे कितना फोर्स है कैसे पता चलेगा i कैप के आगे जो होगा वो अरे इसका मतलब क्या होगा फोर्स ऑन x एक्सिस पे हुआ ही इसका मतलब क्या होगा तो वही तो है x एक्सिस पे कितना फोर्स है उसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dx y एक्सिस पे कितना फोर्स है उसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dy और z एक्सिस पे कितना फोर्स है उसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dz और लिमिट डाल देना x1 x2 y1 y2 z1 z2 तो अब तक जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे आर यू गेटिंग इट सो व्हाट यू डिड इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 उसका लॉजिक है ये अब लिख दो लॉजिक फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डू यू गेट इट और ये सब कुछ क्यों कर पाए आप क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी अलग अलग वर्क निकाल के ऐड करना पॉसिबल है डू यू अंडरस्टैंड दिस पक्का तो कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो गया अब फिर कल क्या बचा सिर्फ एक ग्राफ वाला ग्राफ में कोई टाइप ही नहीं है वो जो इंट्रोडक्शन में जो करवाया था ना वही टाइप और कुछ नहीं है उसमें ठीक है एक छोटा सा वेरिएशन आता है बट उसी एग्जाम में देखना ठीक है सब तो नहीं पढ़ा सकता ना यहाँ पे इतना डिटेल में हो गया एक और वेरिएशन है दैट यू सी ड्यूरिंग द एग्जाम ठीक है सो दिस टेक्स केयर ऑफ व्हाट टेल मी वर्क कल जब हम मिलेंगे तो पढ़ते हैं अबाउट लैटेंट हीट कल हीट का बुक लेकर आओ लैटेंट हीट के क्वेश्चन कर डालते ठीक है फिर पीसीएम बैच आगे हो जाएगा तुमसे हाँ ठीक है चलो कोई नहीं गेट योर हीट के नोट्स टुमारो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ऑन लैटेंट हीट ठीक है